अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली, और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ से मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। चलिए तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही कर दी है। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और मेरा काम हो गया है फिनिश, यानी सारा काम हो गया है। देखिए और मैं फ्री होकर बैठी हूँ। मुझे अपना सूट सही करना है, थोड़ा टाइट हो गया है क्योंकि वो पहले का है। ये देखिए सारा काम हो गया है, दूध भी बॉयल हो गया है। चलिए तो अब चलती हूँ मैं नीचे, क्योंकि नीचे वाले रूम में मुझे अपना जो सूट है उसको अच्छे से ढीला वगैरह करना है, क्योंकि वो पहले का सिला हुआ है इसलिए अब वो बहुत टाइट आ रहा है। अब मैं टाइट कपड़े पहनती नहीं हूँ, ढीले पहनती हूँ। चलिए तो मैं चलती हूँ नीचे। गेट लगा देते हैं, चलिए तो हम आ गए हैं नीचे। और ये वो सूट है, मैंने इसको उधेड़ के रखा हुआ है। जब ये सिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं दिखाऊंगी। जब तक मैं कर लेती हूँ कपड़े तय। ये देखो, ये वो सूट है जिसको मैं सही कर रही हूँ। पहले इस पर प्रेस करूँगी, ये सुकड़ रहा है, प्रेस हो रही है गरम, फिर उसको सही करके फिर आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और अब मिल रही हूँ मैं शाम के टाइम। मैंने सूट पूरा कंप्लीट कर लिया है, वो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कल, क्योंकि अब शाम हो गई है। खाना बना रही हूँ, खाने बना रही हूँ फिश। क्या बना रही हूँ बेटू? को मछली कौन है? जीवन। मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। चलिए तो पूरी पोयम हो गई। चलिए तो अब बना लेते हैं जल्दी से मछली। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, अब करूंगी मैं फ्राई। चलिए तो खाना बना लेते हैं और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये रखिए हमारी फिश, और ये हो गया है हमारा ऑयल गरम। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई होने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर से। ये वही है फ्राई फिश, और ये हमारा मसाला रेडी हो गया है, भून रहा है ये अच्छे से। चलिए तो इसमें ऐड कर देते हैं फिश। बेटा मछली में तो देख के खाते हैं, और हम खिलाएंगे तो मैं देखा देख के उसमें, तुम्हें तुम भी देख लेना। जी देख तो सही है, कितना बड़ा है, हट संदेह लाऊंगा क्यों। चलिए तो फाइनली आ गया है हमारा मिरर, और ये देख के हस्बैंड लगा रहे हैं शाम के टाइम, और मैं कर रही हूँ काम, सब्जी चीला काटी, और बारिश हमारा वहीं पर खेल रहा है, आ गया है नमाज़ अदा करने के लिए शाम की। और हस्बैंड ही काम कर लेते हैं इतना बितना तो घर में, क्योंकि वो फर्नीचर का काम करते हैं इसलिए। और इस टाइम पर मुझे वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ी है क्योंकि मशीन की आवाज़ हो रही थी और टीवी भी चल रही थी इसलिए। और ये देख के
मिरर हमारा हो रहा है धीरे धीरे रेडी, और ब्रैकेटों पे कस दिया है उसको बटन पे। तो फिर दादी देखने आई हुई थी, आवाज़ सुनकर आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, बातें वगैरह भी हो रही थी, मशीन की आवाज़ भी और टीवी की भी, बारिश भी एकदम मचा रहा था, तो इसलिए मुझे आवाज़ फिर से म्यूट करना पड़ी है। लेकिन कुछ नहीं, आप लोग देखिए और पूरा फुल मज़ा लीजिए वीडियो का और फुल वॉच करना। तो दादी के साथ में थोड़ी सी वीडियो मैंने भी शूट की है अच्छे से। बस फिर क्या था, मिरर हो गया था, लग कर रेडी। और ये देखिए मिरर हो रहा है चेक, सही लगा है कि नहीं, वीडियो वगैरह सही बन रही है कि नहीं। ये देखिए आर्ज हमारा मिरर चेक कर रहा है, वीडियो बना के देख रहा है उसमें, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मिरर अच्छे से लग गया, हस्बैंड ने लगा दिया है। यही होता है घर के मिस्त्री का काम, बहुत ही जल्दी से हो जाता। ये हो रहा है ट्यूशन का काम। हाँ ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे ही, लेकिन ना यहाँ पे नहीं बनाना थी, यहाँ लाइन पे बनाना थी। अब इसको रेजर से साफ करो, चलो इसको इस वाली को, इस वाली को। हाँ बेटू हमारा ट्यूशन का काम कर रहा है, करो अब रेजर से साफ। ये पेंसिल के कलर, इस वाली को करना, ये वाली करो धीरे धीरे, और फिर लाइन लाइन पर लिखना, ठीक है। हम टिक लगा देते हैं वहीं पे लिखना। चलिए तो टिक लगा दिए हैं इसकी हेल्प के लिए, और ये लिख रही है सी फोर। पहले बोलो सी, बताओ सी फोर। सी फोर कैट, कैट कैट मीन्स, कैट मीन्स बिल्ली। हाँ करो सी